वेलकम टू लाभ अनबॉक्सिंग। आज मेरे पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन, इसका ब्रांड नेम है टैग। देखिए इधर लिखा हुआ है टैग, और जो मॉडल नेम है देखिए लिखा हुआ है टैग T07। और ये जो कलर इधर दिया हुआ है, मैंने यही कलर मंगाया है। मुझे पर्सनली एक कलर बहुत अच्छा लगा। और कुछ चीज़ जो बॉक्स के ऊपर मेंशन है आप लोग देख लीजिए, HD साउंड क्वालिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया है, और कॉल करने के समय कोई भी नॉइज़ नहीं आता है, तो कॉल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली कुछ दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और बॉक्स का पीछे देखिए ऐसा मेंशन हुआ है, बिल्ट इन माइक्रोफोन और म्यूज़िक प्लेबैक टाइम देखिए 5 घंटे, और टॉक टाइम देखिए 7 आवर्स लिखा हुआ है, स्टैंड बाई टाइम 120 आवर्स, और चार्जिंग टाइम मेंशन हुआ है 2 आवर्स, और कंपैटिबल आईफोन, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सभी पे चलता है। और ये जो देखिए कलर कोड दिया हुआ है, ये 4 कलर्स वेरियंट में आता है, और मैनुफैक्चर्ड बाई ए 4Com टेक्नोलॉजीज़, तो वारंटी के मामले में आपको इससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और स्वेट प्रूफ है और लाइट वेट बहुत ही है, तो ये पूरा वाटर प्रूफ नहीं है, ये आप समझ लीजिए ये स्वेट प्रूफ है। तो चलिए इसका बॉक्स अब हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है बॉक्स के अंदर। तो पैकेजिंग देखिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा एक स्पॉन्ज दिया हुआ है अंदर, और ये इसका जो एक कैरी केस है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल ईयरफोन से कॉस्टली है, तो अगर आप लूज़ लेंगे इसको ऐसा विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो टूट सकता है, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। थोड़ा हार्ड केस है, ये आपका ईयरफोन को प्रोटेक्ट कर देता है। इधर देखिए ऊपर टैग का ब्रांडिंग बना हुआ है, और देखिए अंदर ऐसा आता है, ये मेरा टैग का ईयरफोन, इसको रखते हैं इधर। और देखिए ये कुछ ईयर टिप्स ईयरबड्स से, और ये देखिए छोटा सा एक चार्जिंग केबल जो USB टू माइक्रो USB है, ऐसा एक चार्जिंग केबल इसके साथ आपको मिलता है। तो बहुत सारे ईयर टिप्स और ईयरबड मिल जाता है, आपका कान के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ है जो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, देखिए ऐसा ही चीज़ दिया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी लगा, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है। और भी बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा भी चीज़ दिया हुआ है, ये जो यारमी है, अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एक क्लिप भी आपको मिलता है। देखिए यारमी के बहुत सारा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, एक छोटा साइज़ है, तो आपका कान के हिसाब से आप यूज़ करिए। तो ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज बहुत काम का चीज़ है मुझे लगता है। और देखिए एक आपको ऐसा क्लिप मिलता है, और देखिए ये वेराइटी कुछ ईयरबड्स से भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा भी बहुत सारा दिया है, टोटल 6 पेयर दिया है, टोटल 12 पीस ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आया है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कान के साथ बहुत अच्छा से फिटिंग हुआ है देखिए इसका। और देखिए ये वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड, देखिए कॉन्टैक्ट देखिए लिखा हुआ है, support@tagdigital.com, तो 4Com टेक्नोलॉजीज़ का नाम ऊपर दिया हुआ है। और सेफ्टी रूल्स क्या क्या, कैसे कैसे क्या करना है सब इधर लिखा हुआ है देखिए, तो अगर आप पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए 12 मंथ्स का पार्ट्स एंड लेबर वारंटी है, तो इधर कैसे आपको वारंटी मिलेगा सब दिया हुआ है, सेफ्टी रूल्स आप पढ़ लीजिए, तो ये जानना भी ज़रूरी है। और इसका बटन्स देखिए कैसे कैसे क्या काम करता है, देखिए पावर ऑन ऑफ बटन कैसे काम करता है, पेयरिंग मोड, आंसर कॉल, एंड कॉल, चेंज ट्रैक, जो आप जब गाना प्ले करेंगे तो वो अगर पॉज करना चाहेंगे, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक जाना चाहेंगे, तो कैसे क्या करना है सब इधर मेंशन हुआ है। तो
ही आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस 20 फीट जो ब्लूटूथ का डिस्टेंस है, और चार्जिंग का टाइम पे रेड लाइट देता है, और जो आप चार्जिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो ब्लू लाइट हो जाता है, तो ये आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है। तो इसको भी साइड कर देते हैं हम, आप देखते हैं इसका जो मेन चीज़ है जो ईयरफोन, देखिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, हालांकि पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है मगर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए बहुत ही अच्छा फीडबैक देता है, ये जो स्विच है प्लास्टिक का है मगर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है ऊपर, देखिए जो ब्लैक कलर है पूरा ग्लॉसी है, और ये जो टेंगल फ्री फ्लैट केबल है देखिए बहुत ही लंबा है, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। और ये जो चीज़ है इस साइड पे जहाँ पे ये जो स्विच है, ये पार्ट आपका राइट हैंड जो यार्ड पे है उस साइड पे चल जाएगा, और ये आपका लेफ्ट पे चला जाता है। और देखिए चार्जिंग के लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट आप इन करके इसको चार्ज कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको एक दो तीन ट्रैक प्ले करके मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। हालांकि मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि इसका प्राइस है सिर्फ 1500, मैंने इसको पेटीएम से लिया, मुझे 1500 ऐसा ही मुझे आया है, तो और जो बाकी साइट है उस पर 1600 ऐसा आता है। पेटीएम में मुझे थोड़ा सा कैशबैक मिल गया, तो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्रैक का ब्रांडिंग भी बना हुआ है, तो पेयरिंग के लिए आपको जो करना है ये जो राइट हैंड साइड है इसका, ये स्विच यही है इसका होम की, तो जो कॉल रिसीव करने के लिए आपको यही स्विच को प्ले टैप करना पड़ेगा, और एंड करने के लिए यही स्विच को आपको टैप करना पड़ेगा, और पेयरिंग के लिए यही स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो मैं एक बार पेयरिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं ब्लूटूथ ऑन कर दिया, तो अभी ये स्विच को मुझे लॉन्ग प्रेस करना है, देखिए ये ब्लिंक होगा और रेड और ब्लू ऐसे दो लाइट पे ब्लिंक होगा, इसके मतलब ये सर्च कर रहा है टैग T07 यहाँ दिखा रहा है, तो टैप कर लीजिए। हो गया, तो पेयरिंग कंप्लीट हो गया, टैग T07 कनेक्टेड देखिए ये दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं दो तीन ट्रैक छोटा सा ऑडियो ट्रैक में प्ले करके आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कितना अच्छा है। मैं फुल वॉल्यूम पे इसको प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और भी दो तीन गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। देखिए इसका जो साउंड क्वालिटी है और उसके इसका जो बेस और ट्रेबल है बहुत ही अच्छा आता है, इसका जो प्राइस है उस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। और इसका एक जो हाई एंड वर्सन भी है टैग का, जो टैग इन्फर्नो आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो बैटरी 80 mAh का है और बैटरी बैकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और टैग इन्फर्नो का बैटरी थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी है, वो 100 mAh का है और उसका भी साउंड अच्छा है, मगर इससे वो थोड़ा कॉस्टली है, तो मैंने इसको ले लिया। मेरा हिसाब से तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो अगर आप ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बस यही था एक मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग और साउंड का डेमो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो और भी लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।